बनाया था हमने, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन व्हाट डू यू गेट, राइट द प्रोडक्ट, व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, राइट द प्रोडक्ट, सो यू गेट Na2O when sodium reacts with oxygen, और आपको फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा 2 Na+O2, या 4 Na+O2 gives 2 Na2O, right? एंड अगर पोटेशियम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करेंगे तब क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? देन वी डिड मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, जैसे कि आप MgO को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड होगी MgOH2, राइट? सो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है? देन एल्यूमिनियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, यू गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी किया था, Al2O3, जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विच इज बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर, विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है? तो हम लिखेंगे कि कैसे एल्यूमिनियम की ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद वाटर, एंड दिस इज एम्फोटेरिक बिकॉज दिस कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। दिस गिव्स यू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, राइट? सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद एसिड, एंड सेकेंड रिएक्शन विल बी रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद बेस। दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सो व्हेन दिस रिएक्ट विद बेस यू गेट NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर, राइट? सो दिस इज बीइंग एम्फोटेरिक, रिएक्शन ऑफ एनी ऑक्साइड विद एसिड एज वेल एज बेस, सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, राइट? मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और कुछ मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव दे मेक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिमिलरली नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, बट सम ऑफ देम मेक न्यूट्रल ऑक्साइड्स, लाइक आई टोल्ड यू CONO, N2O, ये हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। रिटन, रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग। ओके, प्लीज फिनिश इट फास्ट। सो जो एलिमेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, हम उनमें से दो एलिमेंट्स के रिएक्शंस कर लेते हैं। एक तो हम कर चुके एल्यूमिनियम का, सेकेंड एलिमेंट इज जिंक। जिंक भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो पहले हम जिंक की ऑक्साइड बनाएंगे और उसका रिएक्शन बनाएंगे एसिड के साथ और फिर बेस के साथ, ठीक है? सो रिएक्शन ऑफ जिंक विद ऑक्सीजन, जब जिंक
एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दैट गिव्स यू जिंक ऑक्साइड विच इज ZnO. सो जिंक प्लस O2 गिव्स यू 2 ZnO, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड, राइट? अब हम इसका रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस के साथ. सो जिंक को अगर आप रिएक्शन करवाते हो HCl के साथ, आपको मिलेगा जिंक क्लोराइड विच इज ZnCl2, और साथ में आपको मिलेगा वाटर. तो ये क्या हो गया, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन. पहले एसिड के साथ हम करेंगे, सॉरी जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन है ये, जिंक का नहीं, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन है एसिड के साथ, और फिर हम करेंगे जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ. ठीक है, देखो क्लोरीन इसमें नॉन मेटल है, नॉन मेटल से बनता है एसिड, और सोडियम इसमें मेटल है और मेटल से बनता है बेस. ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करते हो, आपको मिलता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट इसको हम बोलते हैं, और साथ में वाटर. तो दिस इज रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ. ठीक है, तो आपने दो ऐसे मेटल्स पढ़े जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक एल्यूमिनियम और एक जिंक. उन दोनों की ऑक्साइड्स जो है वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको एम्फोटेरिक कहा जाता है. लास्ट टाइम फिर हमने किया था रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. इफ यू आर राइटिंग प्लीज फिनिश इट फास्ट. ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, जिसमें हमने किया था कि अलग अलग रेट ऑफ रिएक्टिविटी है. कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, कोई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है. हमने रिएक्टिविटी सीरीज की थी, तो जो भी एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं, जो बहुत रिएक्टिव हैं, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बना सकते हैं. ठीक है, जैसे सोडियम है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम की हाइड्रोक्साइड बना सकता है. मैग्नीशियम है तो वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड बना सकता है. साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस जो है इनफ्लेमेबल है, बहुत सारी हीट इसमें निकल सकती है पॉप साउंड के साथ. अगर आप इसको मैचस्टिक इसके पास लाते हैं तो पॉप साउंड आपको सुनने को मिलती है, एंड इट कैचेस फायर इजीली. सो दिस मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वाटर, राइट? बट अगर आप, सॉरी, मैंने मैग्नीशियम, यस, दिस रिएक्ट्स विद हॉट वाटर नॉट विद कोल्ड वाटर. सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, बट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, और आपको साथ में हाइड्रोजन मिलेगी विच कैन बर्न विद पॉप साउंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद फायर. मैचस्टिक से अगर आप फायर इसको प्रोवाइड करते हो, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. और जो एल्यूमिनियम है उसमें अगर आपको वाटर रिएक्ट करवाना हो तो आपको स्टीम की प्रेजेंस में करना पड़ेगा. एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो काफी कम है. और आपको एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब स्टीम के साथ मिलेगा, आपको मिलेगी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम
कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम हॉट वाटर और एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है स्टीम की प्रेजेंस में. दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस इन देयर रिएक्टिविटीज. ठीक है. और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, या एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनी है, तो एल्यूमिनियम इसीलिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, उसकी रिएक्टिविटी इसी वजह से कम होती है, क्योंकि ऑक्साइड तो उसके पास एयर में भी बन जाती है, तो एयर के प्रेजेंस में ऑक्साइड की लेयर बनने की वजह से एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हमें इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, मतलब वेपर्स के फॉर्म में वाटर को देना पड़ता है. स्टीम में क्या होता है, स्टीम में वाटर जब वेपर की प्रेजेंस, वेपर की फॉर्म में होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है. अदरवाइज ये जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर है, दिस रिड्यूसेस द रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है. देन ओके, दिस वॉज रिएक्शन विद वॉटर. देन कुछ रिएक्शन विद एसिड एंड बेस हम कर लेते हैं. रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस, जैसे अभी आपने जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का किया था, तो वो तो ऑक्साइड्स के साथ था, लेकिन ये मेटल जो है एसिड और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं. अगर जिंक को आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, आपको मिलेगा जिंक क्लोराइड और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस, राइट. वैसे ही अगर आप आयरन को HCl की प्रेजेंस में ट्रीट कराओगे, तो आपको मिलेगी आयरन की क्लोराइड. अभी देखो, आयरन का जो है दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं. आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको चार्जेस पता होंगे तो आप फॉर्मूला बना सकते हो. तो आयरन के आपके पास दो चार्जेस अवेलेबल हैं. वैसे यहाँ पर आप FeCl2 लिख सकते हो, लेकिन इसमें जहां पर टू है अगर, तो मतलब आयरन का टू पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम बोलते हैं फेरस आयन. ठीक है, दिस इज फेरस आयन. और अगर थ्री पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज कॉल्ड फेरिक आयन. ठीक है, दोनों चार्जेस में वो एग्जिस्ट कर सकती है, टू पॉजिटिव भी और थ्री पॉजिटिव भी. आयरन पे जब भी टू पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड फेरस आयन, और थ्री पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो होती है फेरिक आयन. ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. तो आपने देखा, जब आप एसिड के साथ, एसिड हमने लिया है HCl, एसिड के साथ जब मेटल को रिएक्ट करवा रहे हो, उनकी क्लोराइड्स बन रही है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. ठीक है, और हमने किया जो आयरन है उस पे टू पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, थ्री पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है. टू पॉजिटिव इज कॉल्ड फेरस, थ्री पॉजिटिव इज कॉल्ड फेरिक. ठीक है. सिमिलरली कॉपर पे भी टू चार्जेस हो सकते हैं, वन पॉजिटिव एंड टू पॉजिटिव. यहाँ पर कॉपर वन पॉजिटिव इज कॉल्ड क्यूप्रस आयन, एंड कॉपर टू पॉजिटिव इज कॉल्ड क्यूप्रिक आयन. ठीक है, इनका नाम, वन पॉजिटिव वाले में इसका क्यूप्रस है, और टू पॉजिटिव वाले में इसका नाम होता है क्यूप्रिक. अब एसिड जरूरी नहीं सिर्फ HCl आपको मिले, आप सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो. तो अगर यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो HCl की जगह, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग उन मेटल के सल्फेट्स बन जाते हैं. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, यह है आपका सल्फ्यूरिक एसिड. और जब आप इसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट करोगे, तो उस मेटल का जितना भी पॉजिटिव चार्ज उस पे आयन पे है वो, और नेगेटिव चार्ज, सल्फेट आयन का जो फॉर्मूला है वो है SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ रिएक्शन लिखते हैं, जिसमें हम मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करके उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल सल्फेट्स बना सकते हैं.
लाइक सोडियम को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे, अब मैंने आपको चार्ज बताया, ये ग्रुप वन का एलिमेंट है, Na पे 1 पॉजिटिव आएगा और सल्फेट पे आएगा 2 नेगेटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा, एंड दिस बिकम्स Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ठीक है, और साथ में आपको मिलेगा हाइड्रोजन, और इसको बैलेंस करने के लिए बस आपको 2 Na लिख देना है, ठीक है, सो दिस इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, आपको उस मेटल का सल्फेट मिल जाता है। सिमिलरली आप मैग्नीशियम का सल्फेट बना सकते हो, अब मैग्नीशियम में जब आप इसको ट्रीट कराओगे तो इसका फॉर्मूला MgSO4 बनेगा प्लस H2, तो ये डायरेक्टली ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली आप एल्यूमिनियम के साथ इसका रिएक्शन करा सकते हो, तो आपके पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है और सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव, तो ये जब क्रॉस करेगा 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा और इसका फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 थ्राइस, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ये इकट्ठा है और ये 3 जो है वो सल्फर भी 3 है और ये ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 है, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर 4 3 12 हो गया, ठीक है, आपको इसको ये पता होना चाहिए इस ब्रैकेट का इम्पोर्टेंस ताकि आप इसको फिर बैलेंस कर सको, ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए अब आप LHS और RHS चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, अब आप LHS और RHS चेक करोगे तो आपको इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड मिलेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान से ये 3 जो है सबके लिए है, तभी यहाँ पर आपके पास इधर 3 सल्फर आएंगे, और अगर ब्रैकेट नहीं पुट किया होगा तो फिर वो पता नहीं चलेगा कि कौन से एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है, तो ये है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन देखो जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज की थी उसमें हमने ये किया था कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके से पकाता है, हमने ये किया था, तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो तो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके H2 गैस निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं, जो चापा मेटल्स बताए थे, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, वो चापा मेटल्स जो थे वो ये रिएक्शन नहीं शो कर सकते, मतलब अगर आप कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे तो क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, वो कॉपर सल्फेट नहीं बना सकता है, ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फेट्स, या जब ऐसे HCl के साथ भी रिएक्ट करोगे उनके साथ भी चापा मेटल्स नहीं रिएक्ट करेंगे, ठीक है, वो HCl में से भी H को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, दे डोंट रिएक्ट विद एसिड्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस H पॉजिटिव ऑफ एसिड, ठीक है, वो इतने रिएक्टिव नहीं है, बाकी सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम उसको बोलते हैं, दैट मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, सो इन दीज केसेस दिस सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दैट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट इज एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड और खुद का सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है, लिखो इसको। रेज योर हैंड्स इफ ऑल ऑफ यू हैव रिटन, डन, आर यू स्टिल राइटिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल राइटिंग, आई थिंक यू हैव डन इट, है ना, ठीक है, ओके, अब हमने दो तरह के एसिड किए, हमने HCl कर लिया, हमने HNO3 कर लिया,
सॉरी, हमने HCl कर लिया और H2SO4 कर लिया, लेकिन हमने HNO3 नहीं किया। नाइट्रिक एसिड भी हम नॉट डन। सी, नाइट्रिक एसिड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, हम इसीलिए उसको यूज नहीं करते। तो आप लिख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, क्वेश्चन में ऐसे लिख लो, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स, प्लीज राइट, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देन हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व। व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देन हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व। राइट डाउन द आंसर। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो एज सून एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन बिटवीन अ बिटवीन अ मेटल एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कॉमा द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस, द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन टू वॉटर, द हाइड्रोजन टू वॉटर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ जितने भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा था उनके साथ हाइड्रोजन रिलीज हुई थी, लेकिन ये कहता है कि नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडाइज करना क्या मतलब हुआ? ऑक्सीजन ऐड करना। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो, वो इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड करा देता है, तो H2O बन जाता है, विच इज वॉटर, ठीक है। तो इसीलिए हम नाइट्रिक एसिड को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऐसा नहीं करते, जैसे कि मैग्नीशियम को अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो वो आपको नॉर्मल नाइट्रेट बना के सिर्फ हाइड्रोजन देता है, ठीक है। तो आगे लिख सकते हो आप, वेट, सो लिखो, सो इन द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इन द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कॉमा नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। नेक्स्ट लाइन, व्हेन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर, व्हेन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर कॉमा द नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ, द नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ
इज रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन की बहुत सारी ऑक्साइड्स होती हैं, NO, N2O, NO2, N2O4, तो वो खुद नाइट्रिक एसिड इन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और H2 को वाटर में चेंज कर देता है। ठीक है, फिर ऐसे नोट करके लिख लो, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के लिए दिस थिंग इज नॉट ट्रू। तो लिख लो, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कॉमा, हाउ एवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, Mn, Mg एंड Mn, ये दोनों एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, इन दोनों के साथ नाइट्रिक एसिड नॉर्मली बिहेव करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सो यू वर राइटिंग, हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इनके साथ क्यों है वेरी डाइल्यूट एसिड? बिकॉज, हाँ जी बेटे, एनी प्रॉब्लम? मैम प्लीज रिपीट। ओके, आई रिपीट, हमने नोट किया था दैट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर कॉमा रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन, टू इवॉल्व हाइड्रोजन। अब ऐसा क्यों है कि वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये हाइड्रोजन गैस दे देते हैं? बिकॉज जो बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो इनके साथ वो हाइड्रोजन गैस ही देता है। आप और ऐड कर सकते हो, बिकॉज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, राइट ऑन फर्दर इफ यू वॉन्ट टू गिव द रीजन, बिकॉज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए वो उसको वाटर वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है हाइड्रोजन। ठीक है, सो अब हम कुछ डिफरेंसेस लिखेंगे ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं। ठीक है, उससे आपका सारा समराइज हो जाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? सो आप लिखो, कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा फुल लिख सकते हो। तो इसमें भी हम कुछ प्रॉपर्टीज कंपेयर करेंगे, इधर हम लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी हम कंपेयर करने वाले हैं, फिर हम मेटल्स की वो प्रॉपर्टी बताएंगे और फिर हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी बताएंगे। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे किस प्रॉपर्टी की
कि हम बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हम बात करें किस तरह की आयंस बनाते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ आयंस डू मेटल मेक, कौन सी आयंस बनाते हैं मेटल्स, बताओ। ओके, कुछ सिमरन कौर फ्रॉम 10th A, सिमरन कौर फ्रॉम 10th A, एच पॉजिटिव बेसिक आयंस। ओके, कोई कोई मेटल का नाम बताओ पहले मुझे, कोई एक मेटल का नाम बताओ जो आपका फेवरेट हो। कॉपर। कॉपर। और कोई, आप लास्ट टाइम आए थे क्लास में सिमरन, यस। हमने रिएक्टिविटी सीरीज की थी, तो सबसे टॉप पे कौन से मेटल्स थे? के के था, Na था, ठीक है। ये जो सबसे टॉप पे मेटल्स होते हैं, ये सबसे रिएक्टिव होते हैं। तो अगर आपको किसी अच्छे मेटल का एग्जाम्पल पूछा जाए, तो आपको सबसे टॉप वाला देना चाहिए, ठीक है। पहली बात, हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है। हाइड्रोजन को हम बॉर्डर लाइन लेते हैं कि इससे ऊपर वाले बहुत अच्छे मेटल्स हैं और इसके नीचे वाले वीक से मेटल्स हैं वो मेटल्स, मगर उनकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाले मेटल से काफी डिफरेंट है। जैसे अभी हमने किया, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो इतना अच्छा मेटल नहीं है। अब अच्छा मेटल होने का क्या मतलब, मेटल वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर पाता है, ठीक है। तो आयंस क्या होती हैं, आयंस दो तरह की होती है बेटा, एक आयन होती है कैटायन और एक आयन होती है एनायन। सुना है आपने ये दोनों आयन्स, सुना है सिमरन, यस। बताओ कैटायन पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड, और एनायन पे नेगेटिव। नेगेटिव, अब मुझे बताओ कि पोटेशियम क्या बनना आ सकती है, कैटायन या एनायन, पोटेशियम क्या बनाएगी, कैटायन बनाएगी या एनायन बनाएगी, पता है कैसे पता चलता है, ये कैटायन। कैटायन बनाएगी। जो भी मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसीलिए हम मेटल की वायर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं, हमने फर्स्ट वाली क्लास में भी किया था, मेटल्स कंडक्टर्स हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में किया था। तो मेटल के पास बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, और जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो वो कैटायन बनाता है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेटल कौन सी आयन बनाएंगे, कैटायन, और नॉन मेटल्स एनायन। कैटायन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इसीलिए मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नॉन मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव, समझे। चलो गुड, चलो बैठो बेटा, अभी अलर्ट रहना है, अभी एक एक करके सबकी चांस आएगा, सबको पूछूंगी मैं जो जो हमने किया है, जो नहीं पता है आप पूछो। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि केटायन पे क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, वो भी आप पता कर सकते हो। आपके पास जैसे मेटल में हमने सोडियम लिया, इसका एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इसके पास उतने ही प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और उतना ही इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हमने बोला मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है।
अब किसी के पास अगर 11 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है, आप मुझे बता सकते हो न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या चार्ज बचेगा ओवरऑल उनके पास? बताओ। 10th B से रूबी मुझे बताएगी, अगर 10 नेगेटिव चार्ज है, 11 पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल इस पे क्या चार्ज? 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव। नेगेटिव से 10 पॉजिटिव कट हो जाएंगे, 1 पॉजिटिव रह जाएगा। इसीलिए जब भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या जब भी कोई भी मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैग्नीशियम होगा तो वो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, उसकी कॉन्फिगरेशन 2H2 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। एल्यूमिनियम होगा, उसकी कॉन्फिगरेशन 2H3 है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 3 पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, डन फर्स्ट पॉइंट। कमिंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। किस तरह के नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हैं, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के? ठीक है, तरुण फ्रॉम 10C, तरुण 10C, इज तरुण देयर? मैम ही इज एब्सेंट। एब्सेंट। ओके, हर्षित फ्रॉम 10th B, हर्षित कम फॉरवर्ड बेटा, आपको बताना है नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल्स किस तरह की ऑक्साइड्स बनाती हैं, बताओ। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, व्हाट काइंड ऑफ ऑक्साइड्स? बेसिक बेसिक। ठीक है, एंड सम ऑफ देम मेक्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको एल्यूमिनियम और जिंक का। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड जिंक बनाएंगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एंड नॉन मेटल्स मेक एसिडिक एसिडिक। एंड सम ऑफ देम विल मेक न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जैसे कि मैंने बोला आपके पास CO है, NO है, N2O है, ये कुछ ऑक्साइड्स हैं विच आर न्यूट्रल इन नेचर। कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, ठीक है, इसीलिए नॉन मेटालिक में हम इसे डाल देते हैं। वेरी गुड, प्लीज सिट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वॉटर, रिएक्शन विद वॉटर। ओके, नैना फ्रॉम 10th E, नैना फ्रॉम 10th E, इज शी देयर? ओके, यस मैम। हाँ जी बेटा, मेटल्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ? दे फॉर्म क्या बनाते हैं? आई कॉन्ट हियर यू नैना। फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मेटल्स के साथ वाटर जब रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है मेटल की हाइड्रोक्साइड, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कुछ होते बहुत रिएक्टिव वाले, जैसे कि फ्लोरीन, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, एक्सप्लोसिवली करता है इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन जनरली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। गुड नैना, प्लीज गो। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, हम करेंगे कि डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होता है। हर्षित जी, पुष्कर फ्रॉम 10th F,
टेंथ एफ, मुझे वीडियो नहीं आ रही है टेंथ एफ की. पुष्कर इफ यू आर देयर आई वुड लाइक टू आस्क हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. क्या मिलता है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन. और कौन कौन से मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, वेरी गुड. और कौन से नहीं करते, तो नीचे होता कौन कौन से नहीं होता, नीचे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं? मैम, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और वेरी गुड, वेरी गोल्ड गुड, प्लेट। वेरी गुड बेटे. ठीक है, सो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन को, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, H2 गैस इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो चापा मेटल्स हैं नीचे वाले वो ऐसा नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और आप यहाँ लिख सकते हो कि एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, फाइन. सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास नेचर ऑफ हाइड्राइड्स. हम करेंगे हाइड्राइड, समझते हो क्या होती है? किसी को पता है हाइड्राइड किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन सबको पता है. ठीक है, सी हाइड्रोजन क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक उसके पास प्रोटॉन है, एक उसके पास इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और ये ना मेटल्स में है ना नॉन मेटल्स में है, इसके साथ जो जुड़ता है ये वैसा सा बिहेवियर कर लेता है. ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं हाइड्रोजन को बोलती हूं कि तुम सोडियम के साथ जाके कंबाइन कर जाओ, अब सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है. ठीक है, तो अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इस पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरा तो नेगेटिव होना पड़ेगा. तो क्योंकि सोडियम इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है तो वही लूज करेगा और हाइड्रोजन को गेन करना पड़ेगा. ये कर लेता है, ये बहुत शरीफ है. जैसे एलिमेंट के साथ इसको कंबाइन कर दो ये वैसा सा बिहेवियर एडजस्ट कर लेता है, मतलब. ठीक है, अच्छा अब मैं हाइड्रोजन को बोलूं कि जाओ तुम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आओ, क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 4th नंबर पे है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इसको कंबाइन करने को बोलो तो ये उससे भी नहीं जीत सकता. ठीक है, तो अगर इस पे नेगेटिव है तो वो वहां जाके पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगा. ठीक है, तो H पे पॉजिटिव आ जाएगा, Cl पे नेगेटिव आ जाएगा. अब यहां देखो, इधर नेगेटिव आ गया था, इधर पॉजिटिव आ गया. क्यों? क्योंकि ये मेटल था और ये नॉन मेटल है. ठीक है, इसको मैं अगर बोलूं तुम कार्बन के साथ जाके कंबाइन करो, अब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के पास अगर लास्ट शेल में ये कॉन्फिगरेशंस है ना, शेल वाइज कॉन्फिगरेशन, तो फर्स्ट 3 शेल्स यहां तक के एलिमेंट्स हम ज्यादा पढ़ते हैं. ठीक है, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-1, 2-8-2, 2-8-3, तो जिसकी भी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो उनको लूज कर देता है. लूज करेगा तो इस पे +1, +2, +3 चार्ज आ जाता है. अब 4 इलेक्ट्रॉन्स ना ना लूज करना इजी है ना गेन करना इजी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला हमेशा शेयरिंग पे चलता है कि ना मैं दे सकता हूं, ना देने के लिए मुझे निकालने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है, ना मैं किसी से इतना पुल कर सकता हूं,
ले भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये 5 6 7 वाले लेना पसंद करते, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन पे देखो नेगेटिव चार्ज है तो उनपे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? तो 1 2 3 जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो +1 +2 +3 ये चार्ज लेके कैटायन बना लेता है, 5 6 7 जिसके पास चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके एनायन बना लेता है, ठीक है? और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है? अब ये क्यों लूज या गेन करते हैं? अगर ये 1 2 3 वाले लूज कर देंगे ना तो इनकी पिछली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि इसका जो फर्स्ट शेल है उसमें तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते थे, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 फुल हो गई है शेल, फुल हो जाती है तो स्टेबल हो जाती है, तो इसीलिए ये 1 2 3 लूज कर देगा, आसान है क्योंकि उसको लूज करना, और पिछली शेल फुल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट होना बोलते हैं इसको। 5 6 7 वाले इनको फुल होने के लिए या तो 5 देने पड़ेंगे या 3 लेने पड़ेंगे, तो 3 एक्सेप्ट करना इज इजियर देन लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये बेचारा 6 लूज करता या 2 गेन करेगा, तो 6 लूज करना बहुत एनर्जी चाहिए उसके लिए, वो 2 गेन कर लेगा इजियर, 7 लूज करना एंड 1 गेन करना, तो 1 गेन करना इज इजियर, उससे क्या होगा? उससे इनकी जो नेक्स्ट शेल है अब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो सबको अपनी शेल को फुल करना है, उस शेल को फुल करने के पर्पस से ये चार्ज करते हैं, मगर ये 284 ये फैमिली है कार्बन की, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड, अब ना ये लेने में इतने ईज है इनको ना देने में, तो व्हाट डू? दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है? ये शेयर करते हैं, मतलब हाइड्रोजन को अगर आप कार्बन के साथ लगा देते हो तो वो शेयर करता है, ठीक है? हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ उसने गेन किए, क्लोरीन के साथ लूज किए और कार्बन के साथ उसने शेयर कर लिए, ठीक है? तो हाइड्रोजन इसीलिए एडजस्टिंग है नेचर में, और इसीलिए उसको स्टैंडर्ड बना दिया कि कौन तुमसे ले सकता है, कौन तुम्हारे कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, कौन तुम्हारे कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, ठीक है? किसके साथ तुमको इलेक्ट्रॉन्स में वो करना है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, किसके साथ मिलके इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, ठीक है? तो वो रिएक्टिविटी जज करता है, ये इन्हें लिखना है तो लिखो, कुछ पूछना है इसमें से पूछो, दिस इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट जो आपको फर्दर क्लासेस में यूज होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यू शुड बी क्लियर कौन कैटायन कौन एनायन बनाएगा, क्या आयनिक बॉन्ड होता है, कौन शेयर करता है, क्या कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है? और क्यों ये होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जिसको कोई भी डाउट है इस चीज में वो प्लीज मुझे पूछ लो। ओके, मैं इरेज कर दूं ये, इज एनीबडी राइटिंग, रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग, ओके प्लीज लिख लो फिर। हमने अभी और डिफरेंस करने हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, मगर उससे पहले मुझे आपको बताना था कि हाइड्राइड्स किसको बोलते हैं और हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करता है। वी आर स्टिल लेफ्ट विद 3 डिफरेंसेस।
लिखो जल्दी बेटा। ओके आई थिंक यू हैव रिटन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम करते हैं कंपैरिजन मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड मैंने बोला जब हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज में आता है उसको हाइड्राइड बोलते हैं। एच पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं। पता है क्यों बोलते हैं प्रोटॉन? प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमने किया हो एटॉमिक नंबर उसका 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये सेंटर में न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। अब सोचो अगर ये H से H पॉजिटिव बनता है तो इसको ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज करना पड़ जाएगा, तो बचेगा क्या उसके पास? सिर्फ एक प्रोटॉन। इसीलिए H पॉजिटिव मींस प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि उस बेचारे के पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी इस पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन लूज करवाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम प्रोटॉन, ठीक है। और जब हाइड्रोजन, अभी देखो अगर फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 8 2 ऐसे किया ना हमने, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अगर ये एक दे देता है तो ये खाली शेल हो गई इसकी, ये बन गया H पॉजिटिव, इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये H नेगेटिव बनना चाहता है तो H नेगेटिव के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करना पड़ेगा, और जब ये H नेगेटिव बनता है तब ये बनता है हाइड्राइड। तो अगर मैं मेटल के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करूं तो मुझे मिलेगा मेटल हाइड्राइड, Na पे पॉजिटिव H पे नेगेटिव, ठीक है। फिर मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, 1 पॉजिटिव Na पे और 1 नेगेटिव H पे, सो दिस इज मेटल हाइड्राइड, ठीक है। सो नेचर ऑफ हाइड्राइड ये बनाता है आयनिक हाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स हैं, अब नॉन मेटल्स लूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो गेन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करे तब उसको आयनिक बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, एक बारी में शायद नहीं समझ आए, पूछ लेना नहीं समझ आएगा तो। अगर मैं Na को Cl के साथ रिएक्ट कराती हूं तो ये आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड है। लेकिन मैं अगर H को
सीएल के साथ रिएक्ट कराती हूं, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है। आप बोलोगे कि इसमें भी तो एच पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव होता है, लेकिन एक्चुअली इस पॉजिटिव को हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव लिखते हैं। यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। NaCl कैसे बनता है? NaCl बनेगा जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनाना है, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर कर Cl नेगेटिव बनाना है। ये बनता है आयनिक बॉन्ड। ये कंप्लीटली लूज कर देता है, ये कंप्लीटली ले लेता है। 100% लॉस एंड गेन, ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 100% ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से बनता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन HCl का क्या है? इन्होंने शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की, मगर Cl का नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। शेयरिंग की तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन वो बस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, इसीलिए उस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आता है। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है। कंप्लीट ट्रांसफर मेटालिक बॉन्ड में हो सकता है, जो मेटल ने दिया है इलेक्ट्रॉन उसमें हो सकता है। तो ये ऊपर जो बनाया हमने, ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है। समझ रहे हो इस बात को? यू शुड नो द डिफरेंस। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें सिर्फ वो खींचता है अपनी तरफ, पूरा अपने पास रख नहीं सकता, वो पुल करता है, इसीलिए पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है, वो कंप्लीटली लूज नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन। जिसके साथ भी वो अटैच्ड है, वो पार्शियली उसको दे देगा, थोड़ा बहुत उसके पास रहता है। ठीक है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसमें होते हैं। तो हम इसके डिफरेंस में ऐसा लिख सकते हैं कि ये कैसी हाइड्राइड बनाता है? कोवलेंट हाइड्राइड। ठीक है, जैसे आपने CH4 मीथेन पढ़ा होगा, अब इसमें ये नॉन मेटेलिक है, ये कंपैरेटिवली हाइड्रोजन जो है वो मेटालिक है, तो ये कैसी हाइड्राइड बनाएगा? कोवलेंट हाइड्राइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे +4 वैसे नहीं होगी, उसने चार लूज कर दिए और हाइड्रोजन चार गेन कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दिस इज आयनिक एंड दिस इज कोवलेंट इन नेचर, दिस इज नेचर ऑफ हाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट लिखो नेचर ऑफ क्लोराइड्स। एक्सक्यूज मी मैम, नेक्स्ट पीरियड हैज बीन स्टार्टेड। व्हाट इज द टाइम फॉर नेक्स्ट क्लास? 9:30 इज इट? नेक्स्ट क्लास हैज बीन स्टार्टेड। ओके फाइन, ठीक है, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास देन। फाइन, ओके, थैंक यू मैम। ओके। आपको
हाँ जी, 10th है स्टूडेंट्स. चलो आप ही कनेक्टेड है, 2 मिनट आप ही मुझे बताओ कि हाउ वाज द क्लास, वाज इट गुड? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? तो किस किस को मेटल्स का समझ में आया, आप यू कैन रेज योर हैंड्स. एक ही स्टूडेंट को समझ में आया, बाकियों को नहीं समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, और ना इसके बाद 10th वाले बच्चे बात नहीं करते. बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस मैं छोड़ ही रही हूँ. ठीक है, जो मैम ने कहा है वो प्रॉपर्टीज रिवाइज करके आओ और फिर हम कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे करेंगे. ओके, यस और नो? ओके ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम्स हो आप अपने टीचर को बता सकते हो, दे विल कम्युनिकेट, मुझे बता सकते हो. हाँ जी, यू वॉन्ट टू टेल समथिंग? यू वॉन्ट टू टेल समथिंग और यू वॉन्ट टू शट इट ऑफ?